दोस्तों आज तारीख 23 मई 2024 दिन गुरुवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा है, ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कई जगहों पर बैंकों की छुट्टियां भी रहने वाली, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए पहली बड़ी खबर, स्कूली वाहनों के ड्राइवरों का होगा वेरिफिकेशन, अधिकारी रखेंगे ड्राइवरों का रिकॉर्ड। अलीगढ़ में 15 जून तक पूरी करनी होगी स्कूली वाहनों की फिटनेस भी, जिला प्रशासन की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया। और देखिए बड़ी खबर दोस्तों, आगरा के कपड़ा बाजार में भीषण आग लग गई, 6 दुकानें जलकर राख हुई। एसी में ब्लास्ट होने के चलते रेस्टोरेंट के सिलेंडर में धमाका हुआ और आग इतनी भयंकर थी कि कई किलोमीटर दूर तक धुआं दिखाई दिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी मशक्कत के बाद 10 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। और वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जौनपुर में जनसभा किए, बोले कि राम मंदिर बेकार नहीं बना, बेकार इनकी बुद्धि है। विपक्षियों के लिए उन्होंने कहा कि इधर रामलला विराजमान हुए, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राम नाम सत्य हुआ। मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अपराधियों को उल्टा लटकाकर मिर्च चौंक देंगे। वो बोले कि रामलला अयोध्या में विराजेंगे तो माफियाओं की राम नाम सत्य यात्रा भी निकलेगी। और वहीं देखिए दोस्तों, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट बहुत ज्यादा हाई हो गए हैं। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 97,000 रुपए प्रति किलो तक चांदी का रेट पहुंच चुका है। पिछले 21 दिन में 17,000 रुपए तक की बढ़ोतरी दर्ज की चांदी में, और सोना भी काफी महंगा चल रहा, 76,000 रुपए प्रति 10 ग्राम यानी प्रति तोला सोने का रेट चल रहा। हालांकि दिल्ली सराफा बाजार में थोड़ा रेट कम है, लेकिन फिर भी चांदी ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। 93,000 रुपए प्रति किलो चांदी का रेट यहां भी चल रहा और 10 ग्राम सोना 100 रुपए सस्ता होकर 74,114 रुपए प्रति तोला चल रहा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पीएम मोदी समेत 28 लोगों के खिलाफ याचिका पर आज होगी सुनवाई, कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट का मामला है। एमपी एमएलए कोर्ट में अधिवक्ता पेश करेंगे साक्ष्य, वाराणसी कोर्ट में ये आज सुनवाई होगी। और वैसे वाराणसी में आदि विश्वेश्वर पूजा पाठ और राग रोग भोग पर भी आज सुनवाई होगी। ज्ञानव्यापी केस में अंजुमन इंतजामिया की ओर से वाद की पोषणीयता खारिज की, जज सुनेंगे वकीलों की दलील भी। बड़ी खबर देखिए, लखनऊ में शहीद पद का नाम बदलने वाली याचिका को भी कोर्ट ने खारिज किया, दुर्घटनाओं के कारण शहीद पद का नाम बदलने की हुई मांग, हादसे के डेटा के बिना विचार करना मुश्किल है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये फैसला सुनाया। और खबर देखिए, 23 साल से फरार इनामी अयोध्या में पकड़ा गया, हुलिया बदल कर रामलला के दर्शन करने पहुंचा था किस्सू तिवारी, परिवार भी इसके साथ में ही था। अयोध्या से मध्य प्रदेश पुलिस का ये 50,000 का इनामी अपराधी किशोर उर्फ किस्सू को आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस को सौंप दिया। ये 23 साल से फरार था और हरिद्वार में अपना आश्रम बना रखा था। और खबर देखिए, कुशीनगर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, कहा कि अंग्रेजों ने जितना नुकसान देश को नहीं दिया उससे ज्यादा तो कांग्रेस ने दिया। उत्तर प्रदेश रेलवे की एक अनोखी पहल, जागरूकता अभियान चलाने जा रहा रेलवे, जलवायु परिवर्तन को लेकर यात्रियों को जागरूक किया, पॉलिथीन कम उपयोग करने की अपील भी की। और खबर है, सीतापुर में सरकारी नलकूपों की स्थिति से किसान परेशान, हर गांव ब्लॉक में 48 नलकूपों में अधिकांश जुगाड़ के सारे संचालित हो रहे हैं और सिंचाई न होने से फसलें भी सूख रही है। और खबर है, आज मिर्जापुर में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती भी जनसभा करेंगी, तैयारी में जुटे कार्यकर्ता मनीष तिवारी के लिए जनता से वोट करने की अपील करेंगी। बड़ी खबर देखिए, पीओके भारत को सौंपे पाकिस्तान, वरना युद्ध छेड़ना पड़ेगा। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, 4 जून के बाद भारत का हिस्सा होगा पीओके, 400 पार होगा एनडीए। और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, लखनऊ पहुंचे एक्टर मनोज वाजपेयी, अपनी 100वीं फिल्म का किया प्रमोशन, 24 मई को रिलीज होगी भैया जी। और खबर है, काशी विद्यापीठ की सेमेस्टर परीक्षाएं 11 जून से शुरू होगी, ग्रेजुएशन एग्जाम का शेड्यूल जारी हुआ, 3 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, 18 जुलाई को अंतिम पेपर होगा। स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए एक और अपडेट आ रहा, बीएचयू में योग कोर्स का फॉर्म भी जारी हुआ, 10 जून तक फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 24 जून को रिजल्ट आएगा, जुलाई में चलेगी योगा क्लासेस भी। काशी विश्व हिंदू विद्यालय में ये नया सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू हो गया है। और वैसे दोस्तों, कोरोना वैक्सीन को लेकर भी देखिए, बीएचयू में कोवैक्सीन रिसर्च के 10 लूप होल सामने आ रहे हैं, सर्वे में नहीं थे नॉन वैक्सीनेटेड लोग, रिसर्च में 2-3 कैटेगरी जरूरी पोस्ट कोविड बीमारियों को भी इग्नोर किया गया। हाल ही में जो कोरोना वैक्सीन को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी बनी थी, उस पर ये नई रिपोर्ट सामने आ रही, देख सकते हैं आप ज्यादा जानकारी। और बड़ी खबर देखिए, अनुप्रिया के बयान पर सियासत तेज हुई, 25 तारीख को मिर्जापुर आ सकते हैं राजा भैया, संजू मिश्र बोले कि अनुप्रिया ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। काशी में प्रियंका गांधी और डिंपल भी करेगी रोड शो, बीएचयू कांड पर उठाएगी सवाल, सीर गोवर्धन से दुर्गा कुंड तक खुली कार में रहेगी। 25 मई को ये कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सपा सांसद डिंपल यादव का रोड शो होगा वाराणसी में। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाराजगंज में भी जनसभा की, बोले अब बाजार में विकास और गुंडे जेल में दिखते हैं, चारों तरफ कमल खिल रहा है। बड़ी खबर आ रही, अफजाल अंसारी मामले में आज 2 बजे फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी, सजा बरकरार रही तो नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, बेटी नुसरत निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। और वहीं खबर देखिए, पीएम मोदी भी उत्तर प्रदेश में बोले कि मैं गरीब माँ का बेटा हूँ,
मुझे किसी के लिए कुछ कमाना नहीं है, सपा वालों को टोटी खोलने में भी महारत हासिल है। श्रावस्ती में पीएम मोदी ने जनसभा करते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस वाले आपके घर के पानी की टोटी खोल कर ले जाएंगे, इसमें इनको महारत है। और बड़ी खबर देखिए, 25 मई तक स्कूल खोलने पर होगी बड़ी कार्रवाई। एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर बच्चों को बुलाया जा रहा था स्कूल, शिकायत मिलने पर डीएम ने आदेश जारी किए। मेरठ में बढ़ती गर्मी के चलते जिला प्रशासन की ओर से 25 तारीख तक सभी स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर रखी है। और खबर है, परिषदीय शासकीय विद्यालय के कर्मचारियों को मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया। बलिया डीएम ने चुनाव को लेकर फैसला लिया, 1 जून को होगा मतदान। पीओके पर गृह मंत्री अमित शाह के ललकार पर अब ओवैसी ने भी बयान दिया। और प्रयागराज में मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि पीओके वापस पाने में कितने साल लगेंगे और पिछले 10 सालों में क्या किया। वहीं देखिए, पंजाब में भी मोदी के आने से पहले खालिस्तानी नारे लिखे, झंडा भी लगाया, आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर जिम्मेदारी ली, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इधर चुनाव आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नोटिस जारी किया। कहा कि बीजेपी कांग्रेस वाले अपने अपने नेताओं से कहें कि सेना और संविधान पर बयानबाजी न करें, धर्म और संप्रदाय पर भी न बोलें। मोदी का नाम लिए बगैर चुनाव आयोग ने भाजपा के स्टार प्रचारकों से भी भड़काऊ भाषण न देने को कहा है। और इसी बीच देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्सरे तो मैं करूंगा। शराब घोटाले, नेशनल हेराल्ड घोटाले की पाई पाई वसूली जाएगी, जिसने जितना लूटा है उसे उतना लौटाना ही पड़ेगा। जौनपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया और बोले कि इंडी गठबंधन देश के लिए अहितकारी और विनाशकारी है। टीएमसी को मारिच व सुबाहू की उपाधि भी दी सीएम योगी ने। और वाराणसी में देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर ने सेव बर्ड्स अभियान चलाया, पक्षियों के दाना पानी के लिए शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों को बांटे गए कसोरे, शिव भक्ति फाउंडेशन ने कराए वितरित। और अभी बढ़ती गर्मियों के सीजन में देखिए, कानपुर में आंखों की एलर्जी के 10% मरीज बढ़े, इफेक्टिव और एलर्जी कंजक्टिवाइटिस के मरीज ज्यादा आ रहे हैं। अगर आपकी भी आंखों में इस तरह के लक्षण दिखे तो तुरंत सतर्क हो जाएं और डॉक्टर को चेकअप करवाएं। और बड़ी खबर देखिए, आगरा में जूता कारोबारियों के घर पर 81 घंटे चली रेड, 57 करोड़ कैश बरामद हुआ, 1 करोड़ की ज्वेलरी भी मिली और 30 करोड़ की पर्चियां भी मिली। लगातार 2-3 दिन से ये रेड जारी है और आखिरकार इतनी नकदी बरामद हुई देखिए आप जूता कारोबारी के घर पे। वैसे आगरा में एक और बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है, 39 दवाओं के सैंपल फेल हुए, 45 विक्रेताओं के यानी कि मेडिकल शॉप के लाइसेंस भी निरस्त किए हैं और 12 पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। कई अलग अलग कंपनियां जो नकली दवाइयां बना रही थी इन कंपनियों के नाम से, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, आप भी दवाइयां खरीदते समय सावधान रहें, वरना इस तरह से आप अपनी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर बड़ी खबर आ रही, यूपी के 26 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है, 19 शहरों में हीट वेव की चेतावनी, देश के 5 सबसे गर्म शहरों में प्रदेश के भी 2 शहरों के नाम शामिल है। हालांकि यूपी के कुछ जिलों में बारिश का भी अलर्ट है, तो पूरा मौसम अपडेट देखेंगे। और अभी तो दोस्तों यूपी की कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, मौसम समाचार देख रहे थे अपन। देखिए, बरेली में भी 42 डिग्री तक पहुंचा पारा, दिन में 15 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेगी और देश के टॉप 5 गर्म शहरों में झांसी भी शामिल हुआ, पारा लगभग 47 डिग्री चल रहा है। वाराणसी में आज बारिश की भी चेतावनी, येलो अलर्ट जारी हुआ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उमस भरी गर्मी रही, 30 किलोमीटर की रफ्तार से गर्म हवाएं भी चलेगी, तो सावधान रहिएगा, लू चल रही है आजकल बहुत ज्यादा। देखिए, 26 मई तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी का रेड अलर्ट है, पारा 2 से 3 डिग्री और बढ़ेगा, मतलब तापमान और बढ़ने वाला अभी तो। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि राजस्थान, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में पारा 47 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिल्ली, यूपी समेत 5 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट है। ये भारत के नक्शे में आप देख सकते हैं कहां कहां हीट वेव की चेतावनी, कहां बारिश का अलर्ट और कहां तापमान 40 डिग्री के पार चल रहा है। ये जो ऑरेंज, रेड और ब्लू डॉट दिख रहे हैं आपको, उसी हिसाब से ये मैप में आप देख सकते हैं। और वैसे 25 मई के बाद तो 3 जून तक और नवतपा लग जाएंगे, तो इसके बाद गर्मी और बढ़ेगी, क्योंकि सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो 9 दिन तक और भीषण गर्मी पड़ेगी, लू चलेगी, तो बचकर रहिएगा, सावधान रहिएगा ना। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, आजमगढ़ में अखिलेश यादव बोले कि 4 तारीख को नई फिल्म रिलीज होगी, बीजेपी संविधान खत्म करना चाहती है, अग्निवीर की तरह पुलिस नौकरी भी 3 साल की हो जाएगी। महाराजगंज में एक अनोखी पहल शुरू की गई, डीएम की तरफ से उंगली की स्याही दिखाने पर सामान खरीदने पर छूट मिलेगी, वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए डीएम ने ये पहल की है। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, साथ ही चुनना भी निजी स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के साथ लिव इन में रहने वाले को सुरक्षा के निर्देश दिए और कहा कि हमारा संविधान उस स्वतंत्रता को संरक्षित करने का प्रयास करता है, मनुष्य होने में स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व शामिल होता है, उसे बढ़ावा मिलता है चाहे वह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या किसी भी तरीके से हो। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मतलब महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर अपडेट है दोस्तों, रियलमी GT60 स्मार्टफोन भारत में लॉन्च हुआ। इस गेमिंग फोन को ठंडा रखने के लिए आइसबर्ग वेपर कूलिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी लगाई है कंपनी ने, शुरुआती कीमत इसकी 25,000 रूपए है। और खबर देखिए, अब उड़ीसा राज्य में भी होगी योगी आदित्यनाथ की एंट्री, कटक में चुनावी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित, असम के मुख्यमंत्री भी यहां दौरा करेंगे, संबित पात्रा के लिए वोट मांगेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उड़ीसा और बिहार में 4 रैलियां करेंगे टोटल। आज 23 मई को
उड़ीसा बिहार दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। ठीक है, और देखिए जौनपुर में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की तारीफ करने वाले 4 जून तक अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लें। आजमगढ़ को लेकर भी सीएम योगी ने बड़ा ऐलान किया कि अब अगले 5 साल में इसे आर्यमगढ़ बना देंगे, यानी आजमगढ़ का नाम बदला जाएगा, आर्यमगढ़ किया जाएगा। सीएम योगी ने विपक्ष को चेताया कि जनता ही बोल रही है, चाहे जितना जोर लगा लो, जीतेंगे तो मोदी ही। और खबर है चंदौली में 25 तारीख को योगी आदित्यनाथ आएंगे और 27 मई को अखिलेश यादव भी आएंगे। गृहमंत्री अमित शाह भी दौरा कर सकते हैं जल्दी चंदौली का। और खबर देखिए मथुरा में गूंजेगा काशी में बना देश का पहला 3 टन का घंटा, 15 महीने में बनकर तैयार हुआ और इसे मथुरा में लगाया जाएगा श्री कृष्ण के मंदिर में। खबर है योगी आदित्यनाथ की तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ये पहल शुरू की है। बेटियों की शादी में सहयोग करेगी सरकार, सामूहिक कन्या विवाह योजना की शुरुआत यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी की जाएगी। और खबर है काशी में 1200 छात्र छात्राओं ने बनाई मानव श्रृंखला, मतदान के लिए लोगों को जागरूक किया। ये देख सकते हैं आप मानव श्रृंखला से बनी, 1 जून को काशी करेगा मतदान, तस्वीर भी। और बड़ी खबर देखिए सहारनपुर में 33,000 गन्ना किसानों का 203 करोड़ रुपए बकाया है। किसान बोले कि सरकार की मंशा किसानों की भला करने की नहीं है, बच्चों की नहीं दी जा रही फीस भी। और बड़ी खबर देखिए नोएडा जिला अस्पताल के बेसमेंट में लगी आग, इमरजेंसी और आईसीयू वार्ड से 25 मरीजों को शिफ्ट किया गया, फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां पहुंची। मेरठ से एक घटना सामने आई, भारतीय स्टेट बैंक का SBI के बैंक लॉकर से गायब हुए 20 लाख के जेवर। मेरठ में रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने कहा कि जिस बैंक में सेवाएं दी वहीं से हरेसमेंट मिल रहा है। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब उड़ने वाली कार से होगी आसमान की सैर, टोक्यो के इंटरनेशनल टेक इवेंट में ये कार सामने आई है, देख सकते हैं आप तस्वीर भी। ये कार जमीन पानी हवा तीनों जगहों पर उतर सकती है, मतलब चल सकती है। भारत में 3 कंपनियां एयर टैक्सी पर काम कर रही है, ये और इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और खबर आ रही कि बैन हटने के बाद ऑनियन एक्सपोर्ट यानी कि प्याज के निर्यात में भी तेजी आई, 45,000 टन से ज्यादा प्याज का निर्यात हुआ। वहीं दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया आज वैशाख पूर्णिमा है, 23 मई को कुर्म अवतार बुद्ध जयंती और वैशाख मास के इस खास मौके पर आपको स्नान दान ध्यान करना चाहिए। ये आज अंतिम दिन है वैशाख पूर्णिमा के दिन स्नान का, गुरुवार और पूर्णिमा का अद्भुत संयोग भी मिल रहा, तो गुरु पूर्णिमा पर आप दान धर्म जरूर करें और भगवान विष्णु का पूजा अभिषेक करें। दोपहर में पितरों के लिए धूप दान भी कर सकते हैं। और 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर कई राज्यों में सरकारी छुट्टी भी रहेगी, बैंक वगैरह भी बंद रहेंगे। कहां कहां बैंक बंद रहेंगे तो टोटल 18 राज्यों में आज बैंक बंद रहेंगे दोस्तों, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल है। यूपी के अलावा भी ये देख सकते हैं आप पूरी लिस्ट, यूपी के किन किन शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं, तो देख सकते हैं आप कानपुर वगैरह और देश के इन शहरों में बैंक हॉलीडे रहेगा। ओके, और वही देखिए कुछ नेशनल न्यूज अपडेट। MDH एवरेस्ट मसाले को FSSAI से मिली क्लीन चिट, मसालों में नहीं मिला एथिलीन ऑक्साइड। FSSAI की जांच में कोई भी पेस्टिसाइड नहीं पाया गया और उसके बाद फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से इन मसालों को क्लीन चिट दी गई है। बड़ी खबर आ रही है भारतीय रिजर्व बैंक का RBI, SEBI और गृह मंत्रालय ने ट्राई के अधिकारियों से मुलाकात की और अनचाही कोलों के दुरुपयोग को रोक लगाने पर चर्चा भी की। और भारतीय रिजर्व बैंक का RBI का घरेलू गोल्ड रिजर्व भी बढ़कर कुल 800 टन के पार पहुंच चुका है, यानी कि इतना सोना अभी हमारे RBI के पास पड़ा है स्टॉक में। और एक अच्छी खबर है सरकार को RBI से अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड मिलने जा रहा, खुद सरकार के अनुमान से भी दुगुना, 2.11 लाख करोड़ सरप्लस ट्रांसफर करेगा RBI सरकार को, जो कि पिछले साल से लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले 2 सालों में भारत में घरों के दाम तेजी से बढ़े, यानी कि रियल एस्टेट मार्केट काफी अच्छा उठाव में देखा गया। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि आने वाले अब कुछ सालों में नाममात्र की ही बढ़ोतरी होगी। और ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी एक नया नियम लागू हो चुका, RTO में अब ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 1 जून से प्राइवेट सेंटर पर जाकर आप ड्राइविंग टेस्ट दे पाएंगे। इसके अलावा भी ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े 3 बड़े बदलाव नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नाबालिग के गाड़ी चलाने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन को भी सरल बनाया जाएगा। और भी दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े 3 नए नियम कौन कौन से हैं, इनके बारे में डिटेल जानकारी मैंने DLS न्यूज पर इस अलग से सेपरेट वीडियो में बता दी है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। बहरहाल देखिए अगली बड़ी खबर, हमारे देश के गृह और वित्त मंत्रालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, नॉर्थ ब्लॉक पुलिस कंट्रोल रूम को ईमेल मिला, 22 दिन में ऐसी 5वीं घटना देखी गई राजधानी दिल्ली में। इससे पहले भी आपको बताऊंगा दिल्ली में 150 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, वो भी फर्जी निकली थी, और अब एक बार फिर से ये धमकी सामने आ रही है। वैसे दिल्ली में स्वाति मालीवाल मारपीट केस पर भी पहली बार बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि ये घटना मेरे सामने नहीं हुई, उनके घर पर भले हुई है लेकिन उनका कहना कि वो उस समय नहीं थे। और आज पुलिस दिल्ली सीएम के माता पिता से भी पूछताछ करेगी। सीएम केजरीवाल के PA विभव को लेकर वापस दिल्ली लौटी पुलिस, आईफोन का डेटा रिकवर कराने के लिए मुंबई ले गई थी, लेकिन आज वापस ये कस्टडी में रहेंगे। और भारतीय शेयर मार्केट से जुड़ी बड़ी अच्छी खबर देखिए, चुनावी नतीजों से पहले BSE ने रचा इतिहास, भारत बना दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट। मैंने आपको शेयर बाजार का मार्केट कैप भी बताया था, डेटा आपको बताऊंगा। पहली बार हमारे देश का स्टॉक मार्केट का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका, पिछले 6 महीने में ही $1 ट्रिलियन की बढ़ोतरी देखी गई। और बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में साल 2010 के बाद जारी सभी OBC सर्टिफिकेट को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, इन्हें गैर कानूनी बताया, 5 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली कि मुझे ये मंजूर नहीं है, मतलब जो हाईकोर्ट ने OBC प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश जारी किया। और इस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कोर्ट का फैसला इंडी गठबंधन पर तमाचा है। और दोस्तों आपकी सेहत से जुड़ी भी एक बड़ी खबर देखिए, ICMR और हैदराबाद विश्वविद्यालय के
वैज्ञानिकों ने अध्ययन में ये पाया कि किडनी की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा रही है पेट की चर्बी, यानी जिन लोगों के टमी होती ना तोंद पेट में ज्यादा चर्बी होती है उन लोगों की किडनी को भी खतरा होता है। ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये खुलासा किया है। तो आप भी दोस्तों फिटनेस पर ध्यान दें, है ना। और इसी के साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।